दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप सभी फैनपे अकाउंट को फ़ोन पे में ऐड कर सकते हो, कैसे आप सभी फैनपे अकाउंट को फ़ोन पे से लिंक करके किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, कोई भी बिल पे कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि कैसे हम सभी फ़ोनपे में अपना फैनपे अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जो भी अकाउंट ऐड करना है उसके लिए आपको अपने बायो पे क्लिक करना होता है, और उसके बाद यहां पर से आप सभी को बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करना होता है, और उसके बाद ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करना होता है। जैसे आप सभी क्लिक करोगे उसके बाद आप सभी के सामने बहुत सारा बैंक देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको सिंपली सबसे पहले तो फैनपे सर्च करना है। तो यहां पर आप सभी देख सकते हो कि फैनपे नाम का कोई भी बैंक नहीं है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि IDFC तो है, IDFC से ही फैनपे काम करता है, उसी से मतलब कोऑपरेट करके, तो हम लोग IDFC कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाँ IDFC फर्स्ट बैंक है, बट मैं आपको बता दूं यहाँ पर से आपको ये भी चूज़ नहीं करना, आपका लिंक नहीं होगा। आप सभी को दिखा देगा कि नो बैंक अकाउंट इस तरीके से, तो आपको यहाँ से भी बैक कर देना है, ठीक है। सिंपली से आपको यहाँ से बैक करना है, और उसके बाद आप सभी को अपने मोबाइल का फैनपे अकाउंट को फैनपे एप्लीकेशन को खोल लेना है। जैसे ही आप सभी खोल लोगे उसके बाद यहाँ पर से आप सभी का जो भी कार्ड नंबर होगा उसको आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही आप स्वाइप करोगे तो आपका कार्ड का सारा डिटेल दिख जाएगा। तो और यहाँ से आपको सिंपली से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको वापस से फ़ोन पे खोलना है, और यहाँ से आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर से आपको एक ऑप्शन बैंक अकाउंट के बगल में डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का रहेगा, तो सिंपली से इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद जो भी आपने अभी कॉपी किया है कार्ड नंबर वो डालना है, फिर मंथ और ईयर डालना है, उसके बाद CVV डालना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर से आप सभी को इसको लिंक कर लेना है। जैसे ही करोगे वहाँ पे आप सभी के नंबर पे एक OTP आएगा, सिंपली से आपको OTP डाल देना है। आपका 2 रुपीज़ कट होगा, ठीक है, तो आपको 2 रुपीज़ लेकिन रिफ़ंड भी हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपको OTP डाल देना है। OTP जैसे ही डाल दोगे उसके बाद यहाँ पर से आप सभी देख सकते हो कि आपका जो कार्ड है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप सभी देख सकते हो कार्ड ऐड होने के बाद यहाँ पर से अगर आप सभी किसी को पैसा पे करने के लिए जाते हो टू मोबाइल नंबर या फिर टू बैंक या UPI, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आप सभी को, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इससे मोबाइल रिचार्ज बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिंपली से मोबाइल रिचार्ज पर जाके आप किसी का भी रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर से लेकिन जो पैसा ट्रांसफ़र करने की बात आएगी तो मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आप सभी पैसा ट्रांसफ़र करने जाओगे तो वहाँ पर कोई भी कार्ड का ऑप्शन, जो आपका कार्ड अभी आपने ऐड किया है फैनपे वाला, वो शो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर से आप सभी कोई भी पैसा ट्रांसफ़र फ़ोनपे से नहीं कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट वगैरह वो सब कर सकते, तो लेकिन आपका बैंक अकाउंट से पैसा नहीं जाएगा, मतलब कोई भी ट्रांसफर किसी भी नंबर या बैंक अकाउंट पे नहीं होगा फैनपे के अकाउंट के थ्रू, फैनपे के कार्ड के थ्रू। तो ये था पूरा वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।